सभी जानवरों और इंसानों की तरह पेड़ पौधों को भी भोजन की जरूरत पड़ती है। क्या आपको पता है कि पेड़ पौधे भोजन किस तरह से बनाते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोजी में। मेरा नाम है कुलदीप और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सभी ऑर्गेनिजम्स को, सभी जीव जंतुओं को फूड की जरूरत होती है, उनकी डेली रिक्वायरमेंट की, जो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है और मटेरियल्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। तो कैसे पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं, कैसे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 3, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो यू कैन सी हियर, दिस इज, आई एम गोना रीड फ्रॉम हियर। सो आप देखते रहिए कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ, कहाँ से रीड कर रहा हूँ। All organisms need food to meet their requirements of energy and to get the materials they need for growth and maintenance. Most organisms also need oxygen to break down food to produce energy. इनके कहने का मतलब ये है कि सभी जीव जंतुओं को भोजन की ज़रूरत होती है एनर्जी प्राप्त करने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए और अपनी मेंटेनेंस के लिए। Most organisms also need oxygen to break down food to produce energy. ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म को यानी कि जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है अपने फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और ये प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। बट हम यहाँ पर रेस्पिरेशन नहीं पढ़ेंगे आज हम केवल और केवल फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। तो एज यू ऑलरेडी नो, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, ग्रीन प्लांट्स मेक दियर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का भोजन बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। देखिए, जब कोई रिएक्शन होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट भी होता है, यानी कि दो चीज़ों को मिला करके कोई एक चीज़ बनती है, या दो चार चीज़ें भी बन सकती हैं। जैसा चीनी, चाय पत्ती और दूध को मिलाकर हमें चाय मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ चीज़ें मिला करके कुछ और चीज़ें मिलती हैं, यानी कि रिएक्टेंट मिला करके हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहा जा रहा है कि ज़्यादातर या लगभग सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं, यानी कि जीव जंतु जो हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंड है फूड के लिए पेड़ पौधों पर, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। कई सारे ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। जैसे अगर हम बात करें डियर की, हिरन की, या काऊ की बात करें, बफैलो की बात करें, या रैबिट की बात करें, तो ये सभी शाकाहारी होते हैं, यानी कि हर्बीवोरस होते हैं। ये डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट पर। प्लांट्स मतलब, ठीक है, आप जानते हैं पौधे या ट्रीज, लेकिन प्लांट प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? प्लांट प्रोडक्ट का मतलब है उनकी लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड बहुत सारी चीज़ें, जितने भी प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं डायरेक्टली। यानी कि जो घास खाते हैं या प्लांट की लीव्स को खाते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर फूड के लिए। बट अगर हम बात करें लायन की, यानी कि शेर की, तो लायन डायरेक्टली पेड़ पौधों को नहीं खाता, लेकिन वो बियर या गोट को खाता है, ठीक है। वो डियर यानी कि हिरन, और गोट यानी कि बकरी को खाता है। सो कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि डियर और गोट जो है वो डिपेंड होता है किस पर? डिपेंड होता है प्लांट्स पर। तो इस तरीके से शेर भी डिपेंड हो गया है इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही। सो एंड मोस्ट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स नीड ऑक्सीजन व्हिच वुड गेट डिप्लेटेड इफ इट वर नॉट कंटिन्यूसली रिन्यूड बाय फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर ग्रीन प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द फोटोसिंथेसिस। यू कैन सी हियर, आई एम गोना रीड फ्रॉम हियर।
ठीक है, यहाँ से रीड करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा हम रीड करके आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर दो वर्ड आए हुए, यहाँ पे फोस एंड सिंथेसिस। सो फोस मीन्स लाइट इन ग्रीक, ठीक है। यहाँ पे फोटो का मतलब होता है क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट होता है, यहाँ पे ग्रीक में फोस मीन्स भी लाइट होती है। सो एंड सिंथेसिस कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स पुटिंग टुगेदर, यानी कि साथ साथ रखना या मिलना। सो यहाँ पर सीधा सा मतलब यही आता है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट की मदद से कुछ चीजें मिलती हैं और एक नई चीज बनती है। सो इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दियर लीव्स हेल्प द प्लांट्स ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट और सोलर एनर्जी एंड यूज द सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ व्हिच आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑलराइट, सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की हिंदी की, तो इसको कहते हैं हिंदी में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो जहां पर फोटो मतलब होता है प्रकाश और सिंथेसिस का मतलब है संश्लेषण। तो बहुत ही आसान है ये समझना यहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस क्या चीज होती है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो अपना खुद का खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, किसकी किसकी मदद वहाँ पर लेते हैं ये बनाने के लिए फूड को। प्लांट्स मेक दियर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। ये चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, याद कर लीजिए इन्हें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अब यहां पर एक रिएक्शन देखिएगा, ये एक रिएक्शन दिया हुआ, वर्ड रिएक्शन कहते हैं इसको। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, एंड यहां पर जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो हमें दो प्रोडक्ट यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है इससे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस ये जो वाटर है आपका, इसका हो जाएगा फार्मूला H2O, और फिर ये आपका ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है यहाँ पर। तो बेसिकली मैं अगर बात करूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लेते हैं पेड़ पौधे, तो ये एयर से लेते हैं, जिस तरीके से हम ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, हम सांस लेते हैं, जानवर जितने भी एनिमल्स हैं वो सांस लेते हैं, उसी तरीके से ये जो पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स होते हैं दे आल्सो ब्रीद थ्रू दियर लीव्स, ठीक है। वो अपनी लीव्स में जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा इज अ टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द लीव सरफेस फ्रॉम विच प्लांट्स ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कहाँ से लेते हैं ये वाटर, अपनी रूट से यानी कि जड़ों से लेते हैं, वाटर जड़ों से यानी कि रूट से होते हुए लीव्स तक पहुंचता है। क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है इनको, आपको पता होगा कि जितनी भी लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन होता है, तो उसका कारण जो है, उसका रीज़न है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट जिसकी वजह से जो ग्रीन जो लीव्स होती हैं उनका कलर ग्रीन होता है। और सनलाइट कहाँ से मिलती है, हमें सन से मिलती है। जो पेड़ पौधे हैं वो केवल दिन में यानी कि डे टाइम में ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसका रीज़न ये है कि डे टाइम में ही यानी कि दिन में ही सनलाइट प्रेजेंट होती है वहाँ पर। सो चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये सभी मिलते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और दो चीज़ें बनती हैं यहाँ पे, दो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज हमारा फूड होता है और ऑक्सीजन, ठीक है, ग्लूकोज चाहे वो कोई इंसान हो या फिर पेड़ पौधे, कोई भी एनिमल, सभी का भोजन ना तो रोटी है, ना ही ब्रेड और ना ही मैगी या कोई भी चीज़। हमारा जो फूड है बेसिकली वो है ग्लूकोज, हम कुछ भी खाते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ इन होता है, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते समय, ठीक है, ब्रीथ करते हैं पेड़ पौधे प्लांट्स अपने स्टोमेटा से जो उनकी लीव्स पर प्रेजेंट होता है उससे।
और उसके बाद फोटोसिंथेसिस के बाद दो चीजें बनती हैं, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है यहाँ पे। तो जो ग्लूकोज होता है उसका तो यूज कर लेते हैं प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी लीव्स उनकी ग्रोथ होती है और बहुत सारी चीजें। और जो बाकी का बचा हुआ ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होता है उस वो फ्रूट के रूप में वो उनके जो है फ्रूट या रूट्स में इकट्ठे हो जाते हैं वो, जिनको हम बाद में यूज़ करते हैं एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स उसको यूज़ करते हैं खाने के लिए। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ये इनकी ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा, ऑक्सीजन केवल रेस्पिरेशन में ज़रूरत होती है, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं तो थोड़ी मात्रा में खुद यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि हर जिंदा आदमी को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हर जीव जंतु को, चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर एनिमल या इंसान, सभी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन ये खुद के लिए रखते हैं और बाकी का ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में यानी कि हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है। और वो ऑक्सीजन सारे के सारे एनिमल्स हैं और ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम लोग भी सांस लेने के लिए यूज करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीद आउट करते हैं, जो हम सांस लेते समय निकालते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड हैं एक दूसरे पर। अगर हम हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं और पेड़ पौधे सांस ले पा रहे हैं, और पेड़ पौधे हैं इसी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल पा रहा है। तो बेटा ये बहुत ही क्लियर हो चुकी होगी बात कि क्या है फोटोसिंथेसिस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ओन मतलब अपना, OWN, ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ द ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी, सम ऑफ इट्स यूज्ड इन रेस्पिरेशन, दिस द रेस्ट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, द स्टोर्ड स्टार्च इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी और टू सेल्यूलोज प्रोटीन्स ऑफ फैट्स व्हेन नीडेड। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यू हैव लर्नड अर्लियर, आपने पहले ही पढ़ा है अबाउट प्लास्टाइड्स पढ़ेंगे इसको, द डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, क्लोरोप्लास्ट्स आर प्लास्टाइड्स दैट हैव क्लोरोफिल एंड आर वाइटल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। ईच क्लोरोप्लास्ट कंजिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द ग्रेना, सिंगुलर इसका फॉर्म हो जाएगा ग्रेनम, व्हिच आर पाइल्स ऑफ फ्लैटर्स sack like bodies and stroma are liquid matrix. The flattened sack like bodies are called thylakoids, means sack in Greek. The thylakoids membrane contains protein complex that have chlorophyll and it is here that the photosynthesis reaction occur. यहीं पर photosynthesis होता है, और ये आप पिक देख सकते हैं यहाँ पर, ये longitudinal section है chloroplast का, chloroplast को cut करके दिखाया गया है अंदर की चीज़ों को। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके थैलाकॉइड और स्ट्रोमा होते हैं इसमें, और आपको ग्रेनम भी आपको अगर देखने को मिल जाएगा। तो बेटा ये आप एक ध्यान से देख करके समझने की कोशिश करिए। आप यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा, ये एक लीव्स की पिक दिखाई गई है आपको, ये एक छोटी सी इस लीव्स के इस पार्ट को यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन सर्कल किया गया है, इस छोटे से पार्ट को जूम करने के बाद आप ये देख पाते हैं, और इस ये आपकी लीव्स की ये छोटा सा पार्ट है यहाँ पर, और इस लीव्स के इस वाले छोटे से पार्ट को, इस छोटे पार्ट को और ज़्यादा जूम इन किया गया है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक फिगर दिखने को मिल रहा होगा कुछ इस टाइप का। ये होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? बेसिकली स्टोमेटा एक तरीके का होल होता है, पोर होता है, जहाँ से पेड़ पौधे सांस लेते हैं। स्टोमेटा कहाँ पर होता है? स्टोमेटा होता है लीव्स पर यानी कि पत्तियों पर। हर लीफ पर मिलियंस ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं ब्रीद इन करने में, कार्बन डाइऑक्साइड लेने में पेड़ पौधों को। तो बेटा आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर ये चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पर एक बात और भी समझ लीजिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने माउथ को ओपन या क्लोज कर सकते हैं, उसी तरीके से स्टोमेटा भी ओपन और क्लोज होता है। ओपन और क्लोज करने के लिए यहाँ पर हेल्प करते हैं गार्ड सेल्स। आप देख सकते हैं ये दोनों गार्ड सेल हैं यहाँ पर, ये और ये गार्ड सेल हैं, ठीक है, ये और ये गार्ड सेल है यहाँ पे दोनों साइड में, और ये यहाँ पर पोर है जहाँ से एयर एंटर करता है,
एयर मतलब बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। सो आगे बढ़ते हुए समझते हैं यहाँ पे कि स्टोमेटा का रोल क्या है फोटोसिंथेसिस में, स्टोमेटा का क्या भूमिका है, स्टोमेटा किस तरीके से ज़रूरी हो जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो बेटा लीव्स है मिनट ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है स्टोमा, यानी कि एक स्टोमेटा को अगर एक ही है एक पोर को होल को स्टोमा कहते हैं, और कई सारे हो जाते हैं यहाँ पे तो स्टोमेटा कहा जाएगा इसको। स्टोमा मीन्स माउथ होता है ग्रीक वर्ड में, ये ग्रीक वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया शब्द है स्टोमा, जिसका बेसिकली मतलब होता है माउथ, थ्रू विच गैसेस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द प्लांट। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन किया जाता है, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी पूरी बॉडी में पसीना कैसे निकलता है, पसीना निकलता है हमारी बॉडी में छोटे छोटे पोर होते हैं, होल्स होते हैं, कैविटीज़ होती हैं वहाँ से। इसी तरीके से बहुत ही छोटे छोटे पोर होते हैं लीव्स पर यानी कि पत्तियों पर, जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, और जिनसे ये गैस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करने का काम करती है। इट इज थ्रू द स्टोमेटा दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द प्लांट एंड ऑक्सीजन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, स्टोमेटा आर स्कैटर्ड अमंग द सेल्स ऑफ द सरफेस लेयर एपिडर्मल लेयर ऑफ अ लीफ, सम स्टोमेटा ऑकर इन ग्रीन स्टेम्स एज वेल। बहुत सारे स्टोमेटा ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन स्टेम्स में भी होते हैं। आ स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स बॉर्डरिंग द ओपनिंग, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, द स्टोमेटल पोर ओपन्स व्हेन द गार्ड सेल्स ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल इन रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई सच एज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सिंस द आउटर वॉल अवे फ्रॉम द पोर ऑफ गार्ड सेल इज थिनर देन द थिनर वॉल नेक्स्ट टू द पोर, द टू सेल्स बल्ग आउटवर्ड्स एज दे गेट स्वॉलन विद वाटर, दिस ओपन्स द स्टोमेटल पोर अलाउिंग फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। वेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर दे श्रिंक एंड क्लोज द ओपनिंग, स्टोमेटा यूजली ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट। स्टोमेटा ज़्यादातर दिन में ओपन होता है और रात में क्लोज हो जाता है, यहाँ पर कहा जा रहा है। इस तरीके से आप इसको रीड करके आप काफ़ी क्लियरली समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। इसके अलावा आगे ये भी बताया गया आपको कि ऑक्सीजन इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एक एक्टिविटी की गई है यहाँ पे, एक प्रयोग किया गया है जिससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन ज़रूर बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और वही ऑक्सीजन रिलीज होता है जिसको हम लोग सांस लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एक एक्टिविटी की गई है, एक प्रयोग किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन बनता है यहाँ, इसको देख लीजिएगा आप लोग, पढ़ लीजिएगा इसको, रीडिंग कर लीजिएगा। सो ऑक्सीजन बनता है, ये चीज़ याद कर लीजिए। स्टार्च इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी लर्न कर लीजिए कि फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनता है यानी कि ग्लूकोज बनता है। लाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट बहुत ही इसेंशियल है, मतलब आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। अगर लाइट नहीं होगी यानी कि सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि लाइट का मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी लाइट से हो जाएगा, आप CFL जला करके या LED बल्ब जला करके फोटोसिंथेसिस नहीं करा सकते, यहाँ पर सनलाइट की ही ज़रूरत पड़ती है बेटा। तो लाइट का मतलब ये मत समझिए केवल और केवल सभी तरह की लाइट चल जाएंगी यहाँ पर, केवल सनलाइट ही ज़रूरी है। इसके अलावा एक बात और यहाँ पर बताई गई है कि क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस आकर्ष नहीं होगा, यानी कि नहीं होगा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस। सो माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, रिमेंबर वन थिंग दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सभी के सभी ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस होने के लिए। फोटोसिंथेसिस केवल दिन में होता है, डे टाइम में होता है, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती है। यहाँ पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जिससे पता चलता है कि किस तरीके से क्लोरोफिल ज़रूरी है, आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे बात करनी है रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन आज हम नहीं पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम इसको कल पढ़ते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।
सो माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा सारी चीज़ें। तो कुछ और जानकारी मैं थोड़ा सा दे देता हूँ आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप घर पे खाना बना रहे होते हैं, आप सब्जी बना रहे होते हैं, तो आपको गैस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप चूल्हा जला सकते हैं, लकड़ी जला सकते हैं, स्टोव जला सकते हैं, इसी तरीके हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो पेड़ पौधों को भी एक सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर वो उनके पास तो चूल्हा होता नहीं है कि वो गैस जला लेंगे, तो वो क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर अब उनके लिए गैस चूल्हा हो गया सनलाइट, और बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लोरोफिल क्या क्या काम है यहाँ पर, क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, बस, और उसका कोई काम नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर सनबीम पब्लिक स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही हैं आपके लिए, तो प्लीज़ बेटा आप सब सब्सक्राइब कर दीजिए अपोजी इंस्टीट्यूट को, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे, आप हमारे साथ जुड़े रह पाएँ। सो टिल देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए अपोजी इंस्टीट्यूट को और साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे वीडियोस के सारे लेटेस्ट अपडेट्स पहुँचें सबसे पहले आपके पास।